दोस्तों क्वार्टर थ्री फाइनेंशियल ईयर 24 के रिजल्ट अपडेट की सीरीज में मैं आप सबका दोस्तों स्वागत करता हूं। आज हम नेस्टले इंडिया के लेटेस्ट रिजल्ट पे बातचीत करेंगे। अब नेस्टले के केस में वो मल्टीनेशनल कंपनी है तो ये उनके क्वार्टर थ्री नहीं बल्कि क्वार्टर फोर के रिजल्ट हुए, यानी आज हम नेस्टले के क्वार्टर फोर फाइनेंशियल ईयर 24 के रिजल्ट पे बातचीत करेंगे और ये हम जानने का प्रयास करेंगे कि करंट ट्रेंड नेस्टले का दोस्तों कैसा है। पर वाई नेस्टले, उस पर हम सबसे पहले बातचीत करेंगे और फिर हम नेस्टले के फेयर वैल्यूएशन पे आएंगे। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबाना न भूलिएगा ताकि ये सारे अपडेट रेगुलरली आप लोगों को मिलते जाए। तो दोस्तों सबसे पहले क्यों नेस्टले, वाई नेस्टले। नेस्टले दोस्तों पैकेज फूड इंडस्ट्री का पार्ट है। जो पैकेज फूड इंडस्ट्री ऑलरेडी भारत में 10 लाख करोड़ की है, एक बड़ी इंडस्ट्री है, बढ़िया ग्रोथ आ रहा है और पैकेज फूड इंडस्ट्री में हम कई अलग अलग कंपनी में इन्वेस्ट करते भी है और आप लोगों के साथ हमने इनके रिजल्ट भी अपडेट किए हैं। दोस्तों यही पैकेज फूड में डेयरी प्रोडक्ट्स भी आती है, यही पैकेज फूड में एडिबल इंडस्ट्री की भी आती है जिसमें हमने पतंजलि के रिजल्ट आप लोगों के साथ डिस्कस किए, टी कॉफी भी आती है जिसमें टाटा कंज्यूमर्स जैसी शानदार कंपनी है, बिस्किट भी आती है जिसमें हमने ब्रिटानिया के रिजल्ट जस्ट आप लोगों के साथ डिस्कस किए, दोस्तों नमकीन की कंपनियां बिकाजी, गोपाल, टेस्टी बाइट, डायमंड जैसी भी कंपनीज है। तो एक बहुत बड़ा ये वर्ल्ड है पैकेज फूड। इनमें से कुछ कंपनीज आपके पोर्टफोलियो में होनी चाहिए जो आपको ग्रोथ दे सके और सस्टेनेबल अर्निंग दे सके। दोस्तों ये हो सकता है कि कुछ कंपनी में आप निवेश करो जहां पे ग्रोथ कम मिले पर कंसिस्टेंसी अच्छी मिलेगी उनकी अच्छी क्वालिटी होने के कारण। ये भी हो सकता है कि कुछ कंपनी में आप इन्वेस्ट करो वहां पे ग्रोथ जबरदस्त मिले लेकिन क्वालिटी अच्छी ना हो तो दोस्तों सस्टेनेबिलिटी नहीं मिल सकती। तो ग्रोथ और क्वालिटी दोनों पे आधार रख के हमने कुछ कंपनीज के डेटा आप लोगों के साथ ऑलरेडी पास्ट में शेयर किए हैं। दोस्तों नेस्टले इसलिए क्योंकि यस नेस्टले भी पैकेज फूड में एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटर, इनफैक्ट ये नंबर वन कंट्रीब्यूटर है लिस्टेड कंपनीज में। 2.5 लाख करोड़ का दोस्तों इनका मार्केट कैप जो पिछले 20 साल में दोस्तों 40 गुना से बड़ा है, ह्यूज ग्रोथ। दोस्तों सेल्स वाइज हम देखें तो बीबीटीसी का सेल्स सबसे ज्यादा है पर इनको मार्केट कैप इसलिए नहीं मिलता है क्योंकि ये कंसिस्टेंट प्रॉफिट नहीं करते हैं। बीबीटीसी भारत की सबसे पुरानी 5 कंपनियों में से एक है। सो सिमिलर जो दूसरी कंपनीज है नेस्टले और ब्रिटानिया जैसी, इन्हीं कंपनी को मार्केट कैप भी अच्छा मिल रहा है। नेस्टले की जो प्रोडक्ट हुई दोस्तों ये मास मार्केट प्रोडक्ट नहीं हुई। अब जैसे इंडियंस की इनकम बढ़ रही है ज्यादातर ये लिस्ट में जो कंपनीज है वो प्रीमियम प्रोडक्ट पे फोकस कर रही है और ये प्रीमियमाइजेशन उनको ग्रोथ दोस्तों आने वाले समय में बढ़िया देगा। नेस्टले हालांकि पहले से दोस्तों प्रीमियम प्रोडक्ट में डील करती है, शुरुआत के दौर में जो ग्रोथ था उससे हम आने वाले समय में और अच्छा ग्रोथ दोस्तों यहाँ पे उम्मीद करेंगे। प्रॉफिटेबिलिटी आप देख सकते हो दोस्तों, यस दोस्तों नेस्टले की बढ़िया है ग्रोथ। दोस्तों मैंने बताया पास्ट के ग्रोथ से अब फ्यूचर का ग्रोथ बढ़िया रहेगा ड्यू टू प्रीमियमाइजेशन एंड देयर फोकस एंड वेराइड प्रोडक्ट्स, उसके साथ दोस्तों और इंडिया में पेनिट्रेट होते जा रहे हैं। अब आने वाले समय का नेस्टले का गोल है दोस्तों 20,000 के पॉपुलेशन वाले जो टाउन्स एंड विलेजेस है वहां पे भी ये लोग अपने नेटवर्क को एक्सपांड करेंगे। दोस्तों इस साल आपको इफेक्ट दिख रही है ये साल के डेटा में, बाकी की एफएमसीजी की कंपनीज जो है वो इतना बढ़िया ग्रोथ नहीं कर रही है पर नेस्टले का ये साल भी ग्रोथ बढ़िया रहा दोस्तों, राइट। क्वालिटी वाइज तो कोई देखना ही नहीं है यहाँ पे दोस्तों, दिस इज अ डेब्ट फ्री कंपनी, बढ़िया इनकी डेब्ट और लीज पेइंग कैपेसिटी और फेवरेबल डेब्ट रेशियो। तो चलो दोस्तों नेस्टले के रिजल्ट एनालिसिस कर रहे हैं। सबसे पहले दोस्तों हम ट्रेंड देख लेते हैं अब तक की कैसी है। आप देख सकते हो 2001 में ये स्मर्स 2000 करोड़ का टर्नओवर करते थे, 173 करोड़ का प्रॉफिट करते थे। यही टर्नओवर बढ़ते बढ़ते दोस्तों 2017 में पहली बार 10,000 करोड़ दोस्तों टर्नओवर पार हुआ, तो एक बड़ा लैंडमार्क इन्होंने हासिल किया और प्रॉफिट इनके दोस्तों ऑलरेडी 2012 में ही 1,000 करोड़ के एक लैंडमार्क को पार कर चुके दोस्तों। यहां पे हम देख सकते हैं 2015 में टर्नओवर डाउन हुआ था, प्रॉफिट धराशायी हुए थे। ये वो समय था जब मैगी पे दोस्तों आक्षेप लगे हुए थे और एक बहुत बड़ा जत्था क्वारीज में डंप कर देना पड़ा था। इस झटके से निकलने में नेस्टले को 2 साल लगे थे और 2017 में वापस से 10,000 करोड़ का एक लाइफ टाइम हाई टर्नओवर और प्रॉफिट हमने मैगी में देखा था। तो दोस्तों सीधी बात है, मैगी को पता है बिजनेस कैसे करना, मैगी को पता है प्रॉफिटेबिलिटी कैसे लाना। दोस्तों मैं आपको बता दूं 10,000 करोड़ का टर्नओवर जो 2017 में पार हुआ, अब हम जो 2024 में एंटर हुए हैं ये वो बेंचमार्क साल रहेगा जब नेस्टले 20,000 करोड़ के अपने टर्नओवर को पार करेगी। तो कितना टाइम लगा दोस्तों, 7 साल में और एक ये टर्नओवर डबल होता आप देख रहे हो। इसीलिए रिजर्व इनके कंसिस्टेंट बढ़े दोस्तों, 170 करोड़ के रिजर्व से दोस्तों 3,000 करोड़ तक के रिजर्व पहुंचे और वो भी हाई डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन के बावजूद। आप देख सकते हो पूरी हिस्ट्री में नेस्टले ने कंसिस्टेंट अपने इन्वेस्टर को डिविडेंड दिए और वो भी 50% से ज्यादा डिविडेंड प्रॉफिट के डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं।
एक अच्छी खासी अर्निंग इन्वेस्टर को हो रही है और उसके साथ दोस्तों रिजर्व भी बढ़ रहा है, ये कहता है कि प्राइस में भी अप्रिशिएशन अच्छा मिलता है। इसी वजह से जो 500 रुपए का जो नेस्ले का प्राइस था वो 25,000 पिछले साल हम लोगों ने देखा। रिसेंटली शेयर स्प्लिट हुआ है तो दाम आपके कम हुए हैं, पर हम इसे 25,000 का दाम तो दोस्तों मानेंगे। तो जब हम नेस्ले की लॉन्ग टर्म हिस्ट्री देखें, धंधे इनके ऑलमोस्ट डबल डिजिट से बड़े हैं, यानी जीडीपी से थोड़े अच्छे बड़े हैं। वो समय पे जब इंडिया लोअर इनकम कंट्री था, अब जब इंडिया मिडिल इनकम कंट्री हायर इनकम में एंट्री ले रहा है, ऐसे समय पे नेस्ले को और फायदा हो सकता है। नेस्ले अकेला ही नहीं, पूरे पूरी पैकेज फूड दोस्तों प्रॉफिट तो बिल्कुल कंसिस्टेंट है, इन्होंने कभी लॉस देखा नहीं। रिजर्व बढ़ रहे, मार्जिन हाईली कंसिस्टेंट है दोस्तों, 14-15% के मार्जिन इनके रेगुलर रहते हैं, इसीलिए दामों में हमने 20% कगार का ग्रोथ देखा। दोस्तों 20% कगार को लाइटली नहीं लेना चाहिए, 20% कगार में जब एक अच्छा खासा टाइम फ्रेम ऐड होता है तो ये 20 साल में 45 गुना आपके पैसे हुए हैं, यानी ऑलमोस्ट हर 2 साल में दोस्तों रुपए डबल हुए हैं, राइट। और इसीलिए ये कंपनी को एक अच्छा खासा पीई का वैल्यूएशन मिलता है कंसिस्टेंसी क्वालिटी और ग्रोथ की वजह से। 50 का पीई नेस्ले जैसी कंपनी के लिए फेयर पीई होता है। पर ये तो हमने चलो देखा पास्ट, अब मैं क्या उम्मीद करूं दोस्तों। करंट ट्रेंड अगर हम इनके देखें तो पिछला साल हमने ग्रोथ तो अच्छा ही देखा था, 21 टू 22 में ग्रोथ अच्छा था, पर ये समय पे प्रॉफिट नहीं बढ़े थे ड्यू टू इन्फ्लेशन इश्यूज। ये साल जो खत्म हुआ दोस्तों आप देख सकते हो 13% का ग्रोथ, तो ग्रोथ पिछले साल जैसा ही है, लास्ट ईयर 15% था, ये साल 13% है। थोड़ा बहुत ग्रोथ में कमी दोस्तों हमने देखी है, थोड़ी बहुत, सो इट्स ऑल राइट, पर लास्ट ईयर प्रॉफिट नहीं बढ़े थे। ये साल दोस्तों Q1 से ही आप देख सकते हो प्रॉफिट बढ़िया बढ़ रहे थे, मार्जिन एक्सपांशन मोड में थे। तो इन्फ्लेशन वाले साल मार्जिन कम हुए, इन्फ्लेशन जाने पे मार्जिन इंप्रूव हुए और आपके प्रॉफिट बढ़े। तो ये साल का क्लोजिंग दोस्तों, ये फाइनेंशियल ईयर 23 जो आपके सामने है, मार्जिन इंप्रूवमेंट, डिमांड अच्छी, प्रॉफिट बढ़ रहे हैं, अच्छा साल दोस्तों लास्ट ईयर पूरा आपके नेस्ले के लिए रहा। दोस्तों डिमांड को मैं 9 महीने से भी कंपेयर करूं तो थोड़ी बहुत ही कम है, तो डिमांड में कोई नमी ज्यादा नहीं देखी गई है, राइट। पर खर्चे दोस्तों कंट्रोल दिख रहे हैं, जितने धंधे बढ़े उतने खर्चे नहीं बढ़े। तो ऐसा क्यों हुआ है, जब मैं रॉ मटेरियल पे दोस्तों जाता हूं तो डेटा आपके सामने है दोस्तों, जो इनका सबसे बड़ा खर्चा है 50% खर्चा दोस्तों रॉ मटेरियल का है, वो खाली 5% से बढ़ा, जिसने इनके खर्चों को बचाया, इसीलिए प्रॉफिट दोस्तों 25% से बढ़े, धंधे 13% से, प्रॉफिट बूम 25% से। ये दोस्तों खास बात थी इस साल की। तो दोस्तों दोनों बातें क्लियर होती है, डिमांड भी बढ़िया है, प्रॉफिटेबिलिटी भी बढ़िया है। डिमांड किसने दी ये देखना चाहते हो, मैंने यहाँ पे सेगमेंटल डेटा दिया हुआ है। मिल्क प्रोडक्ट इनको 40% का टर्नओवर देती है, प्रीपेड डिशेस 32%, आपकी मैगी जैसी प्रोडक्ट जिसमें आ गई, कन्फेक्शनरी कैडबरी वगैरह 17% और पाउडर्ड एंड लिक्विड बेवरेजेस जिसमें कॉफी नेस्कैफे और ये आता है वो 11% का कॉन्ट्रीब्यूशन देती है दोस्तों, राइट। इनमें ग्रोथ कितना हुआ वो भी आपके सामने है, 40% कंट्रीब्यूट करने वाली प्रोडक्ट में ग्रोथ 15% हुआ है, तो अच्छा ग्रोथ किया है दोस्तों मिल्क प्रोडक्ट एंड न्यूट्रिशन में। कमी किधर थी, तो यस प्रोडक्ट प्रिपेयर्ड डिशेस एंड कुकिंग में ग्रोथ 11% का था, यानी ग्रोथ थोड़ा कम था। कन्फेक्शनरी में बढ़िया ग्रोथ था दोस्तों 21% का, और पाउडर एंड लिक्विड बेवरेजेस में भी 18-19% का ग्रोथ था। तो कमी खाली प्रिपेयर्ड डिशेज एंड कुकिंग एड्स में हमने देखी। मैंने आपको प्रॉफिटेबिलिटी बताई कि चलो इस बार खर्चे कम हुए हैं, तो खर्चे कम करने में किनका हाथ है, हमने देखा कि रॉ मटेरियल खाली 5% से बढ़ा है, पर ओवरऑल 5 साल के ट्रेंड में देखो इनके रॉ मटेरियल की, तो रॉ मटेरियल में एक बड़ा रॉ मटेरियल है मिल्क। अब हम देख सकते हैं मिल्क के दाम 60% से 5 सालों में बढ़े हैं। इसके साथ ये भी ध्यान रखो कि 5 साल के है, यानी धंधे 65% से बढ़े पर मिल्क के दाम 60% से बढ़े, तो ये अनफेवरेबल नहीं हुआ। पर SMP देखें तो यस दोस्तों वो 72% से बढ़ा, दाम इस साल भी बढ़े हैं, SMP के भी दाम बढ़े हैं। एडिबल ऑयल ने ज्यादा हैरान किया, हम बोल सकते 5 साल में 89%, धंधे 65%, एडिबल ऑयल का खर्चा 89%, पर ये साल एडिबल ऑयल के दाम कम हुए हैं, ये इनके लिए फेवरेबल है। फीट खाली 30% दाम बढ़े, खाली इसलिए कह रहा हूं क्योंकि धंधे तो 65% से बढ़े, सो यू कैन कंपेयर कि वीट कम बढ़ा है। ग्रीन कॉफी 47% और पैकेजिंग 25% से खाली खर्चे बढ़े हैं, और वो भी इस साल तो दोस्तों इनफैक्ट डिक्रीज हुए हैं, राइट फ्रेंड्स। तो इन सब डेटा के आधार पे मैं अब क्या उम्मीद करूं दोस्तों, ये साल मैं उम्मीद कर सकता हूं कि नेस्ले का टर्नओवर इस साल भी 12% से बढ़ेगा, थोड़ा कम पिछले साल से मैं उम्मीद कर रहा हूं। हम इसको Q1 के अभी जो नतीजे आएंगे उससे एडजस्ट करेंगे। सो 12% अगर टर्नओवर बढ़ता है तो यस इस साल नेस्ले 21,000 करोड़ के एक बेंचमार्क को पार करेगा, 20,000 करोड़ का टर्नओवर पार, 21,000 करोड़ इनफैक्ट पहुंचेंगे। इनके प्रॉफिट दोस्तों 3370 करोड़ पहुंचेंगे, जो अगेन लाइफ टाइम हाई है। ईपीएस 35 का रहेगा, इन चीज के हिसाब से फेयर वैल्यूएशन मेरी 1748 की बनती है। अभी दाम कितना है दोस्तों 2561, तो फेयर वैल्यूएशन से थोड़ा बहुत ही आगे है, कोई भी गिरावट में
जस्ट बाइंग इसमें अच्छी आ सकती है। डिविडेंड मुझे इस साल भी 23 रुपए का मिल सकता है। मूविंग फॉरवर्ड दोस्तों, मैं यहाँ पे 12% कगार के ग्रोथ की उम्मीद करूंगा। 12% ग्रोथ क्यों न करूं जब दोस्तों इंडिया प्रीमियमाइजेशन हो रहा है और पेनेट्रेट नेस्ले होते जा रहे हैं। 12% के हिसाब से दोस्तों नेक्स्ट 12 इयर्स में 2035 तक हम नेस्ले को 75,000 करोड़ के टर्नओवर के करीब पहुंचता देखेंगे। प्रॉफिटेबिलिटी इनकी 10,000 करोड़ आएगी दोस्तों, मैं फेयर वैल्यूएशन ही 5,000 उम्मीद करूंगा नेस्ले की। तो यस, हम यहां पे मल्टी ईयर रैली देख सकते हैं, हमने ऑलरेडी देखी भी है, भविष्य में भी मल्टी ईयर रैली कंटिन्यू रहेगी। प्रॉफिटेबिलिटी हाई कंसिस्टेंट है, प्रॉफिटेबिलिटी भी अच्छी देखेंगे और रिटायर्ड लोगों के लिए दोस्तों अच्छी कंपनी हुई क्योंकि ये 50% से ज्यादा डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। फिलहाल वैल्यूएशन थोड़े महंगे हैं, मैंने बताया 50 का पी इनके लिए फेयर है। देखो पिछले साल 63 का पी था तो फेयर वैल्यूएशन से करीब, ये साल पी 82 है तो फेयर पी से थोड़ा महंगा है, गिरावट में ध्यान रखो दोस्तों। राइट, ये टेक्निकल चार्ट आपके सामने 2076 के करीब आता है, ये बड़ा ही एग्रेसिव लेवल रहना चाहिए। जरूरी नहीं है ये लेवल आए दोस्तों, गिरता है एसआईपी कंटिन्यू करते जाओ। देखो पहले मैं नहीं बोल सकता था जब 25,000 भाव होता था कि एसआईपी करो, अब स्प्लिट हो चुका है, 2,000-3,000 के दाम में हम एसआईपी जरूर कर सकते हैं। 5-1 साल में मैं उम्मीद रखूंगा 38-30 का टारगेट, ये बड़ा ही कंजर्वेटिव है। मैं नहीं कहूंगा बहुत ही ह्यूज टारगेट है, पर दोस्तों ये इमर्जिंग इंडस्ट्री नहीं है, आपको दूसरी इमर्जिंग कंपनियों में टारगेट और अच्छे मिलेंगे, पर प्रॉफिटेबिलिटी ऐसी कंसिस्टेंसी नहीं मिलेगी जो नेस्टले देता है। तो नेस्टले से मैं बड़ा ग्रोथ उम्मीद नहीं करूंगा, पर नेस्टले से मैं कंसिस्टेंसी ज्यादा उम्मीद करूंगा। राइट फ्रेंड्स, सो दिस वाज ऑल अबाउट नेस्टले फ्रेंड्स। मुझे उम्मीद है आपकी कोई क्वेरी हो तो वो यहाँ पे क्लियर हुई होगी। मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा पैकेज फूड में आप कौन सी कंपनी में निवेश कर रहे हो। थैंक यू वेरी मच एंड बेस्ट ऑफ लक टू एवरीबॉडी। जय हिंद। डिस्क्लोजर: दिस अपडेट इज फॉर एजुकेशन पर्पस, वी आर नॉट टिप प्रोवाइडर।